देश भर की भांति उमरिया जिले में भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। उस दौरान क्षत्रिय समाज एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए रैली का भव्य तरीके से स्वागत किया, जहां हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं स्थानीय सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का समापन हुआ। उस दौरान रीवा रियासत के युवराज एवं विधायक दिव्यराज सिंह, रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल एवं संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने क्षत्रिय मिलन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का विशेष योगदान हमेशा से रहा है। हम सभी को सामाजिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के विषय पर जोर देते हुए समाज को जागरूक किया एवं कार्यक्रम समाप्ति के बाद सहभोज का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथियों सहित पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिले भर से आए हुए क्षत्रिय महासभा के लोग उपस्थित रहे। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। प्रताप जयंती पे के उपलक्ष्य में हम सभी राजपूत समाज महाराणा प्रताप जी, जो कि अपने हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक अपना योगदान दिया था, उसको याद करने के लिए और इस देश को, भारत माता को और आगे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब राजपूत समाज एक होकर के काम करने का यही प्रयास करेंगे। और आज आप दादी जैसे उनकी आज जयंती है, तो उसको भी जो पुराने वीर सपूत हैं हमारे देश के, उनको याद करने के लिए एक ये सुनहरा मौसम अवसर हम सबको मिलता है। इसके लिए हम अपने राजपूत सरदारों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ में हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है गरीबों के लिए, जो पिछड़ा है, गरीब है, आदिवासी है, हरिजन है, सभी के लिए हित के लिए हमारे यहाँ संगठन बना है। ऐसा नहीं कि हमारा राजपूत केवल राजपूत संगठन, हमारा जो क्षत्रिय समाज एक धर्म था, हम उसी धर्म के अनुसार अपना कार्य करेंगे। और हमारे धर्म में था कि सबकी मदद करना, सबके साथ सद्भाव रखना, सबके साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार रखना, ये हमारा जो कर्तव्य था, उन कर्तव्य का हम पालन करेंगे। ये हमारा महाराणा प्रताप जी का वो था, सभी को साथ में लेकर चलना। महाराणा प्रताप महान पुरुष हैं, उनकी यादगार में हमारे जो भी क्षत्रिय बंधु है, राजपूत समाज है, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में उनकी जय जयकार, उनका प्रेरणा ले रहे हैं। हम ऐसे महाराणा प्रताप की यादगार में सभी सामाजिक बंधु इकट्ठा हो करके और उनका महाराणा प्रताप हमारे कुल के वंशज हैं। और वो जो देश के लिए कर गए, हम लोगों को जो वो शिक्षा दे गए, जो कि घास की रोटी खा करके भी वो अपना उन्होंने सम्मान नहीं खोया, उसी प्रकार से उनकी ही यादगार में हम लोग उनके कुछ भावों को अपने सभी सजातीय बंधु उतारना चाहते हैं। और इसी के उनके याद में, उनके याद को जीवित रखने के लिए, उनके भाव को जीवित रखने के लिए हम लोग वर्ष में एक बार उनकी महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। महाराणा प्रताप की जो ये शौर्य यात्रा है, विगत हम लोग कई वर्षों से ये शौर्य यात्रा करते आए हैं। और महाराणा प्रताप एक हिंदू शूरवीर थे, उन्होंने पूरी हिंदुओं के लिए अपनी एक लड़ाई लड़ा है, उसी की जयंती आज पूरे भारत में पूरे हर मनाई जा रही है। और मैं महाराणा लगभग पिछले 4-5 वर्षों से क्षत्रिय समुदाय यहाँ पे एकत्रित होकर के वीर श्रोमणि मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और सहभोज का आयोजन करता है। अभी इस बार के कार्यक्रम में भी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं युवराज दिव्यराज सिंह जी और रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर, और बाकी सारे क्षत्रिय समुदाय यहाँ पर एकत्रित है। इस अवसर का हम अपने संगठन को, अपने समुदाय को एकत्रित करने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं, महाराणा को याद करते हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाल करके अपना आभार देते हैं।